फ्रेंड्स ये मेरा मोबाइल है। अब मान लीजिए मेरे किसी दोस्त ने या किसी फैमिली मेंबर ने यहाँ पर मेरा मोबाइल लिया और यहाँ पर जो है ये व्हाट्सएप खोलने को ट्राई करेगा। तो जैसे ही वो व्हाट्सएप खोलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अननोन नंबर से कॉल आएगा, तो वो जो है आपको फोन या तो रिटर्न कर देगा या तो इसको आंसर या तो रिजेक्ट करने का यहाँ पर ट्राई करेगा। तो वो जैसे ही यहाँ पर इसे रिजेक्ट करता है या इसे रिसीव करता है तो भी आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन नहीं होगा। हाँ दोस्तों, एक स्पेशल तरीके का लॉक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ये वाला स्पेशल लॉक अपने मोबाइल में अपनी एप्लीकेशनों पे लगा सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ऐप लॉक लियो मास्टर। मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐप लॉक लियो मास्टर और यहाँ पर मैं इसे एंटर करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो एप्लीकेशन है हमें इसे इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं ये वाला आइकॉन, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर इंस्टॉल भी हो चुका है। हम इसे ओपन करेंगे और सबसे पहले हम जो है हमारा जो है यहाँ पर पैटर्न लॉक यहाँ पर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली अपना पैटर्न लॉक जो है यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना होगा। यहाँ पर मैं जो है लास्ट 6 डिजिट ऑफ माय आईडी कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ और कोई भी नंबर जो है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आप पैटर्न लॉक भूल गए तो आपको ये हेल्प करेगा। मैं यहाँ पर सिंपली 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दे रहा हूँ और यहाँ पर हम जो है जिस एप्लीकेशन को जो है हमें लॉक करना है वो सारी एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट की हुई है तो मैं यहाँ पर सिंपली लॉक पे जो है यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई थी, यहाँ पर व्हाट्सएप है, मैसेजिंग ऐप है, एमएक्स प्लेयर, यूट्यूब, यहाँ पर मेल, रिकॉर्डर और प्ले स्टोर है, सारा जो है यहाँ पर लॉक हो चुका है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम सेटिंग पर जाकर जो है हमारा यूजेस एसेस इसको जो है यहाँ से हम लोग इनेबल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ से हम बैक करेंगे। इसके बाद जो है हमें यहाँ से प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें ऑटो स्टार्ट के लिए इसे यहाँ से इनेबल करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं बीच में जो ऐप कवर है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमारा एप्लीकेशन का जो लॉक कवर है उसे हम अनलोन कॉलर जो है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ट्रायंगल जैसे ही बनाते हैं यहाँ पर आपका जो है लॉक यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे और जो है यहाँ पर हम अपना प्ले स्टोर हमने लॉक किया था तो हम जो है यहाँ से प्ले स्टोर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से एक अननोन कॉल हमें आ रहा है। यहाँ पर हम इसे रिजेक्ट या रिसीव करेंगे तो भी हमारा प्ले स्टोर है यहाँ पर ओपन नहीं होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप खोल के दिखा देता हूँ। अगर हम इसे रिजेक्ट भी करते हैं तो भी हमारा जो है व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर हम जो है यहाँ पर हम मैसेज पे भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसे लेकर मैसेज पे भी ड्रैग करते हैं तो भी हमारा जो है प्ले स्टोर या हमने जो एप्लीकेशन सिलेक्ट किया है वो ओपन नहीं होगा। तो हमें इसे कैसे ओपन करना है, तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है एक ट्राइंगल बनाना है, कॉल रिजेक्ट, मैसेज और कॉल रिसीव, वो वाले 3 जो है पॉइंट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके जो है आपको एक ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद आपने जो पैटर्न लॉक यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो आप जैसे ही पैटर्न लॉक यहाँ पर मारेंगे तो आपका जो है यहाँ पर एप्लीकेशन खुल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं मैसेजिंग खोल कर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे तो जो है हमें यहाँ पर पैटर्न लॉक देना होगा। इसके बाद जो है आपका जो है मैसेजिंग ऐप यहाँ पर खुल जाएगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पर आपको YouTube खोल के दिखा देते हैं। YouTube भी हमने लॉक किया था तो यहाँ पर जो है एक अननोन कॉल आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है, अपना पैटर्न लॉक देना है, इसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन यहाँ पर खुल जाएगा। तो दोस्तों
काफी मजेदार ये लॉक है। कोई भी अगर आपका मोबाइल जो है यूज करने के लिए लेता है और आपका जो है मोबाइल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे नए दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हम कुछ नया सिखाए तो आप मिस ना कर पाए।